कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। और जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देखा कि पेन बैक इन माय लाइफ, तो वो एवियन वाला पेन नहीं है और मैं ठीक हूँ और बिल्कुल नॉर्मल हूँ और मुझे नहीं लगता कि मुझे एवियन है अब। और वो पेन एक्चुअली क्या है, मैंने थोड़े वर्कआउट थोड़ा ज़्यादा कर लिया था, थोड़ा वेट भी ज़्यादा उठाया था, थोड़ा ज़्यादा हो गया था एक्सरसाइज वगैरह खुद। तो बचपन में भी होता था, थाइज में टाइटपन होता था और यहाँ पे भी टाइटपन है अभी। यहाँ पे भी थोड़ा दर्द कर रहा है दोनों हाथों में। तो एवियन वाला तो नहीं है, थोड़ा हैवी वर्कआउट किया था उसका पेन है, तो एक दो दिन में चला जाएगा। और हैबिट भी नहीं थी इतना ज़्यादा काम करने की या ज़्यादा एक्सरसाइज और ज़्यादा वेट उठाने का, तो मैंने ज़्यादा ट्राई भी नहीं किया था। कभी कभार करता था, अभी थोड़ा आधा एक घंटे के लिए किया था तो थोड़ा पेन भी हुआ था। अभी नेक्स्ट धीरे धीरे और करते जाऊंगा और फिर एक आगे ब्लॉग भी बनाता जाऊंगा। और मैं सोच लिया था ऐसा कि यार ब्लॉग बनाऊं ना बनाऊं, बनाऊं या ना बनाऊं, लेकिन फिर एक दिमाग में आया यार कि मेरा फर्स्ट वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें और आज के वीडियो में बहुत डिफरेंट है। क्यों, पहले मुझे सही से बोलना भी नहीं आता था। बोलना खैर कुछ वर्ड है, इंग्लिश वर्ड होते हैं या कुछ ऐसा, तो वो तो आज भी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी पहले से तो बहुत बेहतर हुआ है। तो जैसे जैसे मैं वीडियो बनाते जाऊँगा तो मैं कुछ सीखता जाऊँगा और आपके भी अच्छे कमेंट्स आते हैं, अच्छे सजेशन आते हैं, तो उनसे भी मुझे बहुत हेल्प मिली है। इसी तरह आप और भी अच्छे सजेशन मुझे कमेंट्स करते रहो ताकि मैं आपसे सीखूं और आप मुझसे सीखें। मैं सोच रहा था कुछ स्क्रिप्टेड वीडियो बनाऊं, लेकिन नहीं नहीं हो रहा मुझसे। और जो मैं रो वीडियोस बनाता हूं, जो मैं महसूस करता हूं या जिन चीज़ों से मुझे फ़र्क पड़ा है, जो जो काम मैं करता हूं तो वो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं रो वीडियोज़ ज़्यादा बनाना पसंद करता हूँ। और यदि आप रो वीडियोज़ ज़्यादा देखना पसंद करते हो या स्क्रिप्टेड, वो भी आप कमेंट्स कर सकते हो। और चीज़ कहना चाहूँगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो अच्छे एक्सपीरियंस है, जो मैं करता हूँ, वो सारा एक्सपीरियंस मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, यूट्यूब पे शेयर कर रहा हूँ। तो वन टू वन सबको गाइड करना या सबके कॉल अटेंड करना मुश्किल है। मेरे पास मैसेज भी आए रहे थे, अभी दो तीन दिन में कॉल रिसीव नहीं कर पाया, कुछ काम था। तो यार भाई आप कॉल नहीं रिसीव करते हो, ये वो, तो यार मैं सबका कॉल रिसीव नहीं कर पाऊँगा। और इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आप मैसेज करिए, मैं आंसर दूंगा। और मैंने वीडियो देख के, यदि मैंने स्टार्ट किया है, मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे मैंने ओजस के अतुल भाई के वीडियो देखे और वीडियो देख के मैं स्टार्ट करके आज यहाँ पर खड़ा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ आज जी रहा हूँ। तो यार आप तो अच्छी पोजिशन में हो, अच्छे शहरों से बिलोंग करते हो, तो आप स्टार्ट तो कीजिए और वीडियो देखिए। मैंने वीडियो में लगभग हर एक चीज़ शेयर की है, अच्छा बुरा एक्सपीरियंस सब मैंने शेयर किया है, और कौन सी प्रॉब्लम आई तब मैंने क्या किया और सब कुछ शेयर किया। तो आप पहले वीडियोस देखिए, सब समझ में आ जाएगा, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन मैंने दिया है। और मेरी बातों से किसी को यदि बुरा लगा है तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन वीडियो देखेंगे तभी आपको सब समझ में आ जाएगा। और मेरी कंडीशन तो पहले बहुत ख़राब थी, मैं चल भी नहीं पाता था, मेडिसिन लेके भी अपना नॉर्मली वर्क नहीं कर पाता था, अपने घर खुद के काम नहीं कर पाता था मेडिसिन का के, तो बहुत हारा हुआ था। फिर फाइनली ये सब स्टार्ट फॉलो करना स्टार्ट किया और जो रिजल्ट मिला है, तो आप भी कर सकते हो। मैंने किया तो आप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि अतुल भाई ने किया है, और भी बहुत से जनों ने किया, तो आप भी कर सकते हो। और हमें पॉजिटिव रहना पड़ेगा और मेंटली भी हमें खुद के साथ खेलना पड़ेगा। और पेन है, ये है, वो सब बकवास, पहले मैं भी बकवास ही मानता था, जब पेन होता था भूल जाऊँ, कैसे भूल जाऊँ, दर्द हो रहा है तो क्यों भूल, कैसे भूल सकता हूँ यार। फिर धीरे 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 फॉलो करता गया और पेन भी चला गया और भूल भी गया। तो वैसे आप भी भूल जाओ, पेन है, ये बकवास, सब बकवास है, कुछ दिक्कत नहीं है, आराम से अच्छे से फॉलो करते रहेंगे डाइट। तो थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, अपने आप को टाइम दो, थोड़ा टाइम दो, 5 महीने 6 महीने। वैसे तो शॉर्टकट तो है नहीं, क्या एलोपैथिक में शॉर्टकट में जैसे हम मेडिसिन लिए पेन गायब हो गया, वैसे शॉर्टकट नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा, थोड़ा
टाइम दो, थोड़ा पॉजिटिव रहो, इतना पॉजिटिव रहो कि कोई कोई भी नेगेटिव बात का असर अब हमारे ऊपर ना हो। और बहुत टाइम लगा मुझे भी हील होने में, और तो टाइम दीजिए, आप भी स्टार्ट कीजिए। टाइम लगेगा ज़रूर, लेकिन सब नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।